चलिए तैयार हो जाइए इस पहले मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस पर काफी दबाव है। शुरुआत जबरदस्त करने के बावजूद जिस तरह से उनकी फिसलन शुरू हुई है उसे आज थामना होगा। उधर तमिल थलाइवास पिछले 5 में से 3 जीते हैं, 2 टाई यानी कि 1 भी शिकस्त नहीं। पूरे सीजन में तमिल थलाइवास को 1 मैच में शिकस्त मिली। मंजीत की शुरुआत अच्छी हुई है। 1 पॉइंट तमिल थलाइवास। एक तरफ वो टीम है जिसका डिफेंस बड़ा अच्छा है तमिल थलाइवास, सामने बंगाल की चुनौती है डिफेंस में पॉइंट लूज ना करना, वही कर दिया। सुपर टैकल की सिचुएशन है, सिर्फ 3 डिफेंडर हैं। मंजीत बेहतरीन प्रदर्शन, इस बार तो उपहार में उन्होंने अपना एंकल दिया। सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। जब 3 या कम डिफेंडर बचे वहां रेडर आउट हो तो 2 पॉइंट मिलते हैं, और ये उपहार लिया लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ लिया, क्योंकि जब किक लगती है उसको आपने हवा में पकड़ा। ये किक को हवा में पकड़ना दादा, ये तो उपहार। अमित नरवाल, इनकी शाबाशी इनको मिलनी चाहिए उपहार ग्रहण करने के लिए। ही तमिल तलाईवाज ने मनिंदर को आउट किया। लीड है बंगाल वॉरियर्स के पास। रन सिंह के आने से डिफेंस को एक नई फुर्ती मिली है, स्फूर्ति मिली है। पूरा हो गया है, 5 टैकल पॉइंट ले लिए हैं अमित नरवाल ने, और बॉक लाइन के ऊपर ये टैकल था, मजबूत थाई ग्रिप बनी, सपोर्ट देखिए सारे खिलाड़ियों का आया। डू ऑर डाई रेड है मनिंदर, क्या सुरजीत को हैंड टच करेंगे, वही कोशिश की है उन्होंने, अब जाना पड़ेगा। पॉइंट ले आए मनिंदर, 13वीं कामयाबी। सागर कृष्णा को अटेम्प्ट किया, सागर कृष्णा के बिल्कुल नजदीक गए, सागर को लगा कि एंगल मिल जाएगा लेकिन वो एंगल मिला नहीं। चलिए औपचारिकता, आकाश पिकल मुंडे आखिरी रेड में शिकार हुए और बंगाल वॉरियर्स ने सीजन 8 में अपनी 4th जीत दर्ज की। रन सिंह रनिया पहला मुकाबला खेलते हुए उन्होंने दिल जीत लिया, इस पर कोई शक नहीं। और बंगाल वॉरियर्स ने रोका है तमिल थलाइवास का विजय रथ, जो लगातार उनकी टीम मैच हार नहीं रही थी।